सियाराम दो दुश्मनों के नाम और जय सियाराम दोस्तों के नाम। जय गोपाल जी की। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपके समक्ष ये राहु केतु के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर ग्रहों और भावों दशाओं आदि के ऊपर ये जो फिल्म है इसका तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अभी तक आप पिछले दो भागों में राहु और केतु के छठवें और बारहवें भाग में होने का अर्थ और उसके परिणाम जान समझ चुके हैं। ये छठवें और बारहवें राहु केतु भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडलियों में थे। उसके बाद कुछ नेताओं की जन्म राजनेताओं की जन्म कुंडलियों में आए। तो ये जो स्थिति रहती है ये विशिष्ट रूप से बताई। अब इस फिल्म को इस बात को लाने से पहले ही कई सवाल कई लोगों ने पूछे टेलीफोन के जरिए या अन्य माध्यमों से, तो उनको हम पहले जवाब यहाँ दे दें, क्योंकि वो सवाल कई लोगों के मस्तिष्क में हो सकते हैं, कई लोगों के दिमाग में हो सकते हैं। तो जो सवाल आए उनके आधार पर हम फिल्म का ये भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम तो ये कि जैसे कि एक बार फेसबुक पे अपने ग्रुप में ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र में हमने लिखा था कि जब राहु केतु लग्न में और सप्तम में आ जाए तो पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का वियोग हो जाता है। तो लग्न और सप्तम में जब ये स्थिति बनती है, जब जब आएंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि यहाँ तक कि वो इतना बढ़ जाता है कि जैसे उसी समय अगर राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा हो या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा चल रही हो, तो वो इतना लेवल उसका बढ़ जाता है कि वो स्थिति तलाक तक या पूरी तरह से सेपरेशन तक आ जाती है। तो जब भी राहु की महादशा चले अंतर्दशा चले और केतु की प्रत्यंतर दशा राहु केतु की इनमें से किसी की भी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर हो और उस समय गोचर में राहु केतु लग्न और सप्तम में आ रहे हो, गोचर में जब चलते हैं तब मनुष्य को यह सावधानी बरतना चाहिए। तो जब भी आपके राहु केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आदि आए और उसी समय कहीं अगर लग्न में और सप्तम में गोचर में राहु केतु आ जाए तो फिर ये तो सुनिश्चित होता है कि वो स्थिति तलाक तक पहुंच जाएगी और पूरी पूर्णतः तलाक हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा। और इसको अकलमंदी से या चतुराई से कोई ही व्यक्ति टाल पाता है, क्योंकि राहु वो खिलाड़ी है जो दोनों दो नाव पर सवारी करता है और उसके सिर्फ सिर ही सिर है, खोपड़ी खोपड़ी उसके धड़ नहीं है।
वो क्या है, मति भ्रम पैदा करता है। आपको हर समय मानसिक रूप से एक विचारधारा देता है, एक शंका देता है। हर हर चीज को आप संदेह की नजर से देखें, शंका की नजर से देखें, भ्रम के शिकार रहेंगे। और दूसरा वो करता है दो नावों पे सवारी, डबल क्रॉस करेगा ऐसा। और जो आदमी डबल क्रॉस करता है, सब राहु से निश्चित रूप से प्रभावित रहता है, उसकी पीड़ा से प्रभावित रहता है या उसके लाभ से प्रभावित रहता है। लेकिन ये राहु का संकेत है, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है। अब दूसरे जो सवाल थे वो थे कि जैसे कि राहु की पीड़ा आने वाली हो या चल रही हो, या केतु की पीड़ा आने वाली हो या चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या पहचान है इसकी? तो हम बड़े अच्छे तरीके से बता दें कि राहु और केतु ये वो ग्रह हैं कि जब भी इनकी गोचर में दशाएं बदलती हैं, जैसे अब इस समय तो ये कर्क में और मकर में चल रहे हैं, तो कर्क जिनकी जन्म राशि है या जन्म लग्न है, और मकर जिनकी जन्म राशि या जन्म लग्न है, तो उनका सेपरेशन इस समय सुनिश्चित है कि चल रहा होगा या तलाक की स्थिति आ चुकी हो, जो भी। लेकिन अब ये 20 मार्च 2019 को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और केतु धनु राशि में आएंगे और राहु मिथुन में पहुंचे, यानी राहु केतु की ये उच्च स्थिति होती है। राहु जब मिथुन में होता है तो राहु उच्च का होता है, और केतु जब धनु में होते हैं तो उच्च के होते हैं। तो ये राहु केतु 20 मार्च 2019 से अपना स्थान परिवर्तन करके उच्च की स्थिति में आएंगे, और ये वो समय होगा कि एकदम से जैसे छप्पर पलट जाता है, वो स्थिति हो जाएगी। जो आज शहंशाह आजम है वो जमीन पर फकीर बन के आ जाएंगे, और जो आज फकीर है आजम है वो शहंशाह आजम बन जाएंगे। ये स्थिति को पलट देते हैं। फिर दूसरी बात हमने बताई कि वो शनि के एजेंट हैं, तो शनि की स्थिति को देख करके पूरा इनका आकलन किया जाता है। अब शनि आपकी जन्म कुंडली में जहां भी बैठा है, जिस जगह बैठा है, तो ये निश्चित मानिए कि राहु केतु को उनके हुक्म का पालन करना है। अगर शनि आपकी कुंडली में दोषपूर्ण है या गलत जगह पर बैठा है, तो निश्चित रूप से राहु केतु कहीं बैठे हों वो शनि के हुक्म का पालन करेंगे। अब रही बात कि ये कैसे पहचान होती है कि पीड़ा आने वाली है या पीड़ा चल रही है, तो इसके लिए भी बड़ा स्पष्ट है। इसमें तो कई ग्रंथों का, कई शास्त्रों का जब हम आकलन और विवेचन करते हैं तब स्थिति का पता चल पाता है। इसके साधारण से संकेत हैं, जैसे कि राहु को हाथी का संकेत लाल किताब में दिया गया है और सांप का, ऐसे ही केतु का कुत्ता, तो कुत्ता जो है वो केतु का निशान होता है। जब आपको सपने में सांप दिखे या हाथी दिखे, तो ये पहचान है कि राहु का खेल होने वाला है आपके साथ कुछ, तो उसमें तो इसमें जो राहु का बताया, जैसे सपने में ये जब पीड़ा आने वाली हो, तो 6 महीना पहले जब भी ये स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो राहु केतु की ये विशेषता होती है कि 6 महीने पहले से ही वो संकेत देने लगते हैं। तो जब आपको सपने में सांप दिखे तो वो राहु संकेत देता है कि वो आपको लाभ देने वाला है या नुकसान देने वाला है, या पीड़ा जब चल रही हो तब ये संकेत देते हैं। तो राहु सपने में सांप दिखाएगा या हाथी दिखाएगा, और केतु
सपने में कुत्ता दिखाता है, यानी कुत्ते दिखेंगे या कुत्ता दिखेगा या कुछ भी। अब ये कि ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये कैसे पहचाना गया? तो इसका बड़ा स्पष्ट सा वो है, एक तो ये देखा जाता है कि जैसे सांप सपने में दिखता है, तो सांप की लंबाई चौड़ाई क्या है और किस जगह दिखता है, ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि केंचुए के बराबर छोटा सा आपको दिखता है सांप का बच्चा, यानी कि इसका मतलब होता है कि कुछ पीड़ा आएगी, संकट आएगा, मगर बहुत छोटा होगा, उसका स्तर बड़ा कम होगा। और मान लीजिए बड़ा दिखता है तो संकट भी उतना बड़ा और विकट होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि एक ऐसा दिखता है कि जो पूरे घर को घेर लेता है, या किसी घर में घुसता हुआ दिखता है, या मुंह फाड़ता है, या आप हमला करता है, या इसे जीवित अवस्था में आप उसे आते हुए देखते हैं या घूमते हुए देखते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि राहु आपको बहुत भयंकर और विकट पीड़ा देने वाले हैं आने वाले वक्त में, या आप पर पीड़ा चल रही है वो बढ़ती जाएगी और बढ़ के इस लेवल पर पहुंचेगी, जितना बड़ा सांप दिखे उतनी भयंकर और विकट पीड़ा होगी। हो सकता है कि आप उस पीड़ा को कंट्रोल न कर पाए, किसी भी विधि से वो नियंत्रित न की जाए, और वो ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं जिनकी ऐसी स्थिति में जान भी चली गई है। तो जैसा हम पीछे बता चुके हैं कि राहु अगर छठे भाव में आ जाए तो आदमी की इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए दूसरी भाषा में तो वो आत्महत्या कर लेता है। और दूसरा, जब केतु की बात आती है, तो अगर आपको राहु का ही पहले बात कर ले, सपने में सांप अगर मरा हुआ दिखे या मारते हुए दिखे, या सांप आपसे दूर भागता हुआ दिखे और भाग के वो मरता हुआ दिखे, कुचलता हुआ दिखे, तो या सांप जो है उल्टे जमीन में गड़े हुए दिखे, मरे हुए मृत एक दिखे या कईयों दिखे, तो अगर एक दिखता है तो कोई एक विकट संकट आपसे हटने वाला है, आप कोई पीड़ा जो भोग रहे हैं वो हटने वाली है, दूर जाने वाली है, इसका अर्थ है। तो सांप को मरा देखें या मरते हुए देखा, या जब मरा हुआ जमीन में गड़ा देखें, या कईयों सांप देखें, तो कईयों पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, यानी कि कईयों संकट या आपत्तियों में से आप जिनसे गुजर रहे होंगे वो सब के सब आपसे हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो ये निशानियां हैं। तो सांप भागता दिखे या मरता दिखे या मारते दिखे या मरा हुआ दिखे, तो यानी कि राहु की पीड़ा से बहुत बड़ी से किसी से आपको छुटकारा मिलने वाला है या मिलने जा रहा है, सारे संकट समाप्त तो होने वाले हैं अगर कई सांप देखते हैं तो। और एक ही दिखता है तो यानी कि वो एक संकट को ही खत्म होने वाला, ये भी इस पर निर्भर करेगा कि सांप आप किस आकार का देखते हैं, किस प्रकार का देखते हैं। तो आप मान लीजिए अब इसमें बड़ा वाला सांप देखते हैं और वो भागता हुआ मरता हुआ दिखता है, यानी कि आप पैसे सारी विपदाएं जो पारिवारिक कौटुंबिक या पूरे उसमें कहीं की भी हो, वो सब समाप्त हो जाएगी। और छोटा दिखता है या कैसा, तो वो अगर एक या अनेक, वही वाली बात, तो एक दिखेगा तो कोई एक समस्या से, और अनेक दिखेंगे तो अनेक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, और आप उस पीड़ा से। और राहु का हम पहले बता चुके हैं, राहु के उसमें हमेशा झूठे आरोप लगते हैं। एक लत्ते का सांप बनाया जाता है, यानी कि एक फर्जी आरोप लगेंगे, फर्जी आरोपों से घिरेगा। जैसे राजा नल की वो है कहानी कि हार को खूंटी ने निगला, यानी कि खूंटी पे से हार गायब हो गया और उन पर चोरी का आरोप लग गया। भगवान श्री कृष्ण को भी ये पीड़ा भोगनी पड़ी थी, उन पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लग गया था भगवान श्री कृष्ण पर। तो ये सब राहु की मिथ्या पीड़ाएं होती, झूठा आरोप लगता है।
तो श्री कृष्ण तो अपनी सिंहासन को छोड़ के उस यमन तक मणि की तलाश में निकल पड़े, और अपने आरोप को झूठा साबित करने के लिए वो जाकर के एट लास्ट गए, तो वहां जाकर के जामवंत से युद्ध भी करना पड़ा और जामवंती से विवाह भी हुआ और स्यमंतक मणि भी वापस मिली। तो स्यमंतक मणि जिसकी थी उसको वापस दी और साबित कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तब जाकर के वो आरोप उन पे से हटा। तब राहु जब ऐसी पीड़ा देते, तो इस प्रकार के झूठे आरोप जब भगवानों पर लग चुके, और तो साधारण मनुष्य की तो औकात और बिसात ही क्या है। तो ये मतलब राहु की वो है, तो राहु की पीड़ा कैसे आती है, वो कैसे सपने में पता चल जाता है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। और अब बताते हैं जैसे केतु की। तो केतु के जब भी मतलब वो आएगा, सपना आएगा या तो पीड़ा देने का आएगा या फायदा देने का आएगा, तो कुत्ता दिखेगा। अब वो कुत्ता किसी भी कलर का हो, किसी भी रंग का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुत्ता अगर काला दिखे तो इसका मतलब है कि शनि के हुक्म से केतु कष्ट देंगे या फायदा देंगे। और कुत्ता अगर चितकबरा है तो वो केतु स्वयं अपना खेल करेंगे। केतु का कुत्ता चितकबरा है तो, और दूसरा तीन कुत्ते दिखते हैं तो वो फिर केतु की वो चीज होती है बहुत विशेष है, जो कि लाल किताब में विशेष रूप से वर्णित करी गई है। तो तीन कुत्ते दरवेश माने जाते हैं, दरवेश। और दरवेश का अर्थ होता है कि एक ऐसा फकीर या संत पहुंचा हुआ सिद्ध व्यक्ति, जो कि कहीं कुछ देने, जैसे कि केतु का अक्षर संबंध जो मात्र देवता रहते हैं, घर के पुरखे रहते हैं, जिनको देवता बोला जाता है, तो जो मातृ पक्ष स्त्री पक्ष रहता है वो केतु के रूप में चिन्हित होता है। और जो राहु की जो वो रहती है वो जो पितृ पक्ष रहता है। तो कहते हैं कुंडली में जबकि पितृ दोष हो या मातृ दोष हो, तो इनकी पहचान राहु केतु से की जाती है। जब भी सूर्य और चंद्र के ये इतने जितने निकट होंगे, उतना ही मातृ दोष या पितृ दोष जन्म कुंडली में आता है। ऐसे ही सूर्य और चंद्र, तो सूर्य और चंद्र के जितना भी ये नजदीक होते हैं, कोई सा भी ग्रह हो, राहु हो या केतु हो, उतनी ही मातृ दोष या पितृ दोष उस कुंडली में होता है। और अगर कहीं साथ साथ आ जाए तो ये तो सुनिश्चित होता है कि जैसे कि या तो ग्रहण होगा जन्म के समय पर, थोड़ा आगे पीछे हो या उसी वक्त हो। तो दूसरा ये होता है कि उस कुंडली में इतना सशक्त मातृ दोष और पितृ दोष रहता है कि जिसका निवारण कोई बहुत ही पहुंचा हुआ ज्योतिषी, बहुत उच्च कोटि का ज्योतिषी या बहुत उच्च कोटि का तांत्रिक या मांत्रिक या यांत्रिक ही कर सकता है, अन्य किसी के बूते की बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति किसी में भी अगर वो बद्दुआ निकाल दे अपने मुंह से किसी के लिए, उसका बुरा होना ही। और दूसरी बात ये रहती विशेषकर कि चूंकि जिनके मातृ दोष और पितृ दोष रहता है वो तो पीड़ित रहते ही हैं, परेशान रहते ही हैं खुद अपने आप में, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई गाली दे दे, लात दे दे या थप्पड़ मार दे, तो ये निश्चित है कि उसका हाथ टूट जाएगा, थप्पड़ मारेगा, लात मारेगा, पैर टूटेगा, या कुछ गाली देगा तो उसको कुछ ना कुछ मतलब जिव्या संबंधी रोग हो जाएगा, जीभ निकल पड़ेगी या हकला हो जाएगा या तोतला हो जाएगा या कुछ ना कुछ उसे पीड़ा पहुंचेगी। ये जो उसकी जन्म कुंडली में मातृ दोष या पितृ दोष होता है, उसी के ही माता पिता जो या पुरखे जो देवता होते हैं वो उसको तो परेशान करके रखते ही हैं, लेकिन दूसरे को परेशान नहीं करने देते उस व्यक्ति को। दूसरा कोई भी उनको उसको परेशान करेगा तो वो उसको बहुत बुरी तरह निपटाते हैं। अच्छा, केतु का बात कर रहे थे, तो केतु का कुत्ता दिखता है, और कुत्ता का सीधा सा अर्थ होता है कि शत्रु। तो वो शत्रु जो भी होगा, तो आने वाले समय में या चल रहे समय में, तो
तो जब भी कुत्ता दिखे तो यानी कि शत्रु दिखता है। अगर एक कुत्ता दिखे तो एक शत्रु होगा, और अनेक दिखे तो यानी अनेक शत्रु। अब सवाल इस बात का उठता है कि इसमें पहचान क्या, केतु शत्रुओं से लाभ दिलाएगा या नुकसान दिलाएगा, उनसे मुक्ति दिलाएगा या पीड़ा दिलाएगा। तो इसका बड़ा साधारण सी पहचान है कि कुत्ता आपकी तरफ भौंकता हुआ दिखे, काटता हुआ दिखे, या आप जो वस्त्र पहने हुए उसको मुंह से पकड़ता हुआ दिखे, या आपको आपको काटता हुआ दिखे। निश्चित रूप से आपका बहुत जल्दी बहुत बड़े शत्रु से, अगर बड़ा कुत्ता दिख रहा है और वो खूब वो है पूरे आवाज में अगर गुर्राता है, यानी बहुत बड़े शत्रु से मुकाबला होने वाला है। और ये मुकाबले की स्थिति में फिर आप क्या देखते हैं, अगर आपको काट लिया है या आपके वस्त्र को पकड़ लिया है या आपसे भौंक रहा है, यानी कि शत्रु इस प्रकार की गतिविधि करेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपने कुत्ते को मारा या कुत्ते के लाठी वगैरह मार दी और कुत्ता भागता हुआ दिखता है, या मान लीजिए कि कुत्ता पांवों में लोटता है या पांवों को चूमता है, तो ऐसे अगर सपने आते, इसका अर्थ होता है कि शत्रु पीड़ा से आपको मुक्ति मिलने वाली है, और शत्रु आपके पांव में लोटेगा और चरणों को चूमेगा। और दूसरी बात ये होती है, अगर आप उसे मार के भगाते हैं, यानी कि शत्रु निश्चित रूप से आपके हाथ से मात खा के जाएगा, और वह इतनी बुरी मात खाएगा कि वो पलट के पीछे ऐसी गलती भूल के भी नहीं करेगा। तो कुत्ते को मार के भगाते हैं, और या कुत्ता आप मान लो मामूली एक, कभी कभी ऐसा एक सपना जैसे आता है कि मात्र एक बेशरम की लकड़ी होती है, बेशरम यानी जिसको गांव में बिलायती अकड़ूगा बोला जाता, तो बेशरम की लकड़ी ही मात्र से कुत्ते को मार गए, और कुत्ता जब भागते दिखते हैं पूरे के पूरे, तो यानी कि आप एक छोटा सा प्रयास मात्र करेंगे तो बड़े से बड़े शत्रु अपने आप निबट जाएंगे, स्वतः निबट जाएंगे। ये केतु स्वप्न देखते हैं। तो केतु के स्वप्न में अगर कुत्ता भागता दिखे, कुत्ता पिटता दिखे, कुत्ता आपके पाँव में लोटता दिखे, चरणों में चूमता दिखे या चाटता दिखे जीभ से, इसका अर्थ होता है कि शरणु जितने भी शत्रु है शरणागत होने वाले हैं, या पिट करके बुरी तरह मात खा करके भागने वाले हैं। और इसका दूसरा मैंने बताया कि अगर काटे या आपके वस्त्र को पकड़ ले या आप पे भोंके, यानी आपका शत्रु से मुकाबला होगा, आप इस मुकाबले को टाल नहीं सकते। तो कुत्ता एक होगा तो एक शत्रु, और कुत्ता अनेक होंगे तो उतने ही शत्रु आपके सामने या तो आ चुके होंगे या आने वाले होंगे। ये केतु की पीड़ा के और उसके लक्षण हैं जो मैंने आपको ये बताए। इसके अलावा इनके फिर उपाय, तो उपाय वगैरह तो आप जो भी आपके यहाँ हो, उच्च कोटि का ज्योतिषी हो या तंत्र मंत्र का जानकार हो, आप उससे पूछें, क्योंकि अगर उपाय वगैरह हम बताएंगे तो फिल्म बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिल्म का भाग चूंकि कुछ प्रश्न आए थे, कुछ लोगों ने पूछे थे, तो उनके जवाब के रूप में हमने फिल्म का यह भाग राहु केतु का प्रस्तुत किया। और अगले भाग में हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडलियों का विवेचन प्रस्तुत करेंगे, वो फिल्म के अगले भाग में। ओम नमः शिवाय, 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 जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगली फिल्म में हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। वीर भया अण भार जगत में, वीर भया अण भार जगत में, वीरा ऊपर वीर भयो, तमर वंश रो मान बढ़ावण, राजा राम सा वीर हुयो।
जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी, जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी। विक्रमादित्य पुत्र कही जे राजा मान रो मान बन्यो, ग्वालियर धरती तंवर वंश में क्षत्राणी एक वीर जन्यो, चंद्र वंश रा वीरारिया, चंद्र वंश रा वीरारिया भारत भुजागी। जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी, जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी।